अजय देवगन के पिता और लेजेंडरी एक्शन डायरेक्टर विजय देवगन ने 27 मई को दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके यूं अचानक जाने से देवगन फैमिली के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी गहरा सदमा लगा था। नम आंखों से अजय ने शनिवार को अपने पिता की अस्थियां नासिक के रामकुंड में विसर्जित की। अजय देवगन नासिक अपने फैमिली मेंबर्स के साथ पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर अस्थि विसर्जन करते हुए अजय की फोटो सामने आई है। उसमें अजय चारों तरफ फैंस से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। सब बस अपने सुपरस्टार की एक झलक पाना चाहते थे। वो लगातार अजय की पिक्स क्लिक कर रहे थे। फैंस को बेकाबू होता देख अजय ने विधि विधान से अस्थियां प्रवाहित की और फिर वहां से जल्दी निकल गए। बता दें 85 साल के विजय देवगन का निधन 27 मई को कार्डियक अरेस्ट से हुआ था। लंबे टाइम से बीमार चल रहे थे। अजय देवगन ने गुरुवार को पिता की प्रेयर मीट रखी थी। इस प्रेयर मीट में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, करीना कपूर, तब्बू, रवीना टंडन, उर्मिला मातोंडकर, कुणाल खेमू, जायद खान, कबीर बेदी, गुलशन ग्रोवर समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स विजय देवगन को श्रद्धांजलि देने के लिए अजय के घर पहुंचे थे। वहीं पीएम मोदी ने भी विजय देवगन के निधन पर शोक जताया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। अजय देवगन ने ट्विटर पर पीएम मोदी का लेटर पोस्ट किया जो कि उन्होंने 28 मई को लिखा था। पीएम मोदी ने लेटर में लिखा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन काम किए जाने वाले श्री विजय देवगन के मृत्यु से मैं दुखी हूँ। इंडस्ट्री में दिए उनके योगदान की हम सराहना करते हैं। बॉलीवुड के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। विजय देवगन ने तब एंटरटेन करने का रिस्क लिया जब VFX नहीं हुआ करते थे। बतौर एक्शन कोरियोग्राफर वो अपनी लिमिट्स को आगे आकर टीम की सुरक्षा का भी ख्याल रखते थे। मैं विजय देवगन के परिवार, दोस्तों, प्रशंसकों और इंडस्ट्री के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। पीएम मोदी के इस लेटर को शेयर करते हुए अजय देवगन ने शुक्रिया कहा है। अजय ने लिखा, अपनी माँ की तरफ से मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। गौरतलब है कि अजय के पिता विजय देवगन बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस स्टंट डायरेक्टर थे। उनके यूं अचानक चले जाने से देवगन फैमिली के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी शोक की लहर छाई हुई है। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।